तेरी। हाथ हाथ दे, हाथ हाथ दे, हाथ। देखो जब मैं हाथ हटा देता हूँ तब दे, तब हाथ देती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज सुबह हो गई है और आज मैं थोड़ा लेट उठा हूँ गाइस, इसलिए क्योंकि रात को 1 बजे तक एडिटिंग वगैरह करता रहा। तो गाइस कल कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था क्योंकि कल की वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी थी, तो इसलिए एडिटिंग वगैरह में ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसलिए मैं लेट ही सोया था। तो इसलिए आज सुबह मॉर्निंग भी लेट आँख खुली। तो वैसे भी आज संडे है, कोई काम वगैरह है नहीं, ऑफिस वगैरह का भी कम काम होता है, तो इसलिए भाई इसलिए आज कोई दिक्कत नहीं, आज बढ़िया है। तो आज देखते हैं आज क्या होगा। गाइस फिलहाल तो सुबह उठ के नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो अभी तो कोई प्लान है नहीं ऐसा, तो घर पर ही रहेंगे क्योंकि कल काफ़ी घूमे थे यार, काफ़ी रश हो रहा है और सब कुछ बंद भी होता जा रहा है, मार्केट वगैरह जो है गवर्नमेंट बंद ही कर रही है, तो इसलिए भाई थोड़ा कम ही बाहर जाएंगे, इसे घर पे ही रहेंगे। चलो फिर करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। फिर तो मैं तैयार हो गया हूँ, मस्त नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं। तो अभी मैं आया था बाहर, तो अभी मैं बाहर आया था, अभी मैं देख रहा था यार काफी आसपास, आज धूप तो निकली नहीं बिल्कुल भी, आज तो बड़ी ठंड है, काफी ठंडा मौसम हो रहा है और धूप बिल्कुल भी निकली, बिल्कुल चारों तरफ ऐसा मौसम हो रहा है बिल्कुल। चल तो भाई अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे खाना, और अभी जो हो रही है पूरी तरीके ठंड और ना ही कोई धूप निकली हुई, तो भाई आज हो रहा है चिल्ड मौसम। आज अभी देखते हैं फिलहाल कहीं जाते हैं घूमने करने के लिए, अभी तो घूम रहे हैं पार्किंग में। इसने इतना बढ़िया घर बना लिया अपना सोने के लिए, पूरा का पूरा मिट्टी के अंदर खोद दिया और एक यहाँ पे दो जगह घर बना लिया। तो आज कंस्ट्रक्शन का काम बंद है। अभी गए थे बाहर, पर बाहर भी कुछ मजा नहीं आया क्योंकि आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, सब जगह एकदम ठंड हो रही है, तो आज भाई पूरी ठंड है। तो अभी तो फिलहाल घर आ गए हैं बाहर से, अब खाना खाएंगे। गाइस खाना बन गया है और मटर मशरूम, आज है मटर मशरूम जो माय फेवरेट, सबसे अच्छे लगते मुझे मटर मशरूम, मटर मशरूम दही और रोटी जो मुझे सबसे बढ़िया लगती है। तो अब करते हैं स्टार्ट। गाइस खाना वगैरह तो हो गया है, तो अब करते हैं थोड़ा बहुत वर्क ऑफिस का, क्योंकि वैसे तो आज संडे है कोई वर्क नहीं होता, पर फिर भी थोड़ा बहुत वर्क कर लेते हैं। गाइज अब हो गया वर्क कंप्लीट एकदम। गाइज अब चलते हैं पार्क में और वहाँ थोड़ी देर साइकिलिंग वगैरह करके आएंगे, एक्सरसाइज करके आएंगे, तो अब चलते हैं वहीं पर ही, वर्क तो हो गया कंप्लीट। गाइज अब जा रहे हैं साइकिल पे पार्क में, और साइकिल में हवा वगैरह थोड़ी कम है, प्रेशर चेक कराएंगे और फिर एयर प्रेशर वगैरह चेक करा के और फिर चलेंगे पार्क वगैरह में। गाइज अब आ गए हैं पार्क में, तो यार काफ़ी अंधेरा हो गया, मतलब अब तो सर्दियों में ना, सर्दियों की खासियत है यार बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो अभी 5:30 ही हुए हैं और उससे पहले ही अंधेरा सा होने लग गया, तो देख सकते हैं पार्क वगैरह में। और फिर भी थोड़ी देर साइकिलिंग वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे और फिर उसके बाद तो भाई उसके बाद निकलेंगे घर। तो अभी 1-2 चक्कर राउंड लगा के फिर उसके बाद घर निकलते हैं, तो चलो क्योंकि अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा तो फिर वीडियो वगैरह कमी बनेगी, तो इसलिए अभी थोड़ी देर जल्दी से जाके चक्कर वगैरह लगाते हैं फिर से निकलते हैं। शुरू हो गई है बहुत तेज, धीरे धीरे तेज होती जा रही है और मुझे जाना पड़ेगा बहुत जल्दी। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, बारिश हो गई है स्टार्ट, भीग गए तो बीमार हो जाएंगे, तो भाई जल्दी से जल्दी निकलो यहाँ से। गाइस अचानक से तेज बारिश आ गई, पता नहीं कैसे, मैं तो अभी जा ही रहा था और एकदम से तेज बारिश हो गई, तो गाइस फंस गए यहाँ पर। खैर थोड़ी देर में अगर बंद हो जाएगी तो उसके बाद चलेंगे। फिलहाल तो गाइस आ गए हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी यार काफी आई, अब जाके मैं घर पहुंचाऊँ। तो भाई अभी बज गए हैं 7, तो भाई 7:00 और मैं अभी लेट हो गया यार काफ़ी ज़्यादा, भाई बारिश हो गई थी तो मैं पार्क में रुक गया था, और कहाँ जाते तो भाई पार्क में भी काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए वहाँ पे रुक गए, तो बारिश आ रही थी तो इसलिए भाई नहीं जा पाए। तो फिर मैं पूरा भीग चुका हूँ पीछे साइड से भी,
और मेरी साइकिल भी पूरी पूरी गंदी हो चुकी है गाइस। ये देखिए दोनों के दोनों पता नहीं क्या लगे हुए हैं, दोनों ब्राउनी इस फाइबर को तोड़ने में लग रहे हैं। तो गाइस फिलहाल अभी हो रही है बारिश जैसे देख सकते हैं, तो अब हो जाएगी बहुत ज़्यादा ठंड, मुझे लग रहा है काफ़ी ठंड पड़ने वाली है। और ये दोनों खुरचने में लग रहे हैं कुछ, फिलहाल हो गया है डिनर टाइम और अब बज गया 9:30। तो बारिश अभी भी बाहर हो रही है। तो गाइस आज बनी है कुछ अलग डिश है जो बिल्कुल ही अलग होगी। तो आज ये बनी है बाजरे की खिचड़ी। तो बाजरे की खिचड़ी जो है ना स्पेशल हरियाणा वगैरह साइड में बनती है, तो जो कि बहुत अच्छी होती है, गर्म होती है, सर्दियों में इसलिए खाते हैं क्योंकि गर्म होती है। और आज बारिश भी हो रही है तो इसलिए आज घर में ये बनी थी, तो अब इसी को खाते हैं। और इसमें मम्मी ने घेर दिया इतना सारा घी, चारों तरफ घी भर दिया बस, और कुछ नहीं, सिर्फ घी घी चल रहा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया। इसका टेस्ट ना बिल्कुल अलग है, नॉर्मल खिचड़ी से बिल्कुल अलग। और गाइस अगर इसके साथ लस्सी हो ना और भी मज़ा आ जाता है, तो अगर कभी भी खाओ तो लस्सी डाल के खाना, अलग टेस्ट आएगा। तो गाइस एडिटिंग हो गई फिलहाल कंप्लीट। तो गाइस आइए देख सकते हैं आप आज की ये जितनी भी सारी वीडियोस थी वो आज की हैं। तो आज कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं बन पाई क्योंकि आज मैं बीच में सो भी गया था, तो 2-3 घंटे सो गया था। फिर उसके बाद पार्क वगैरह गए, आज बारिश भी हो गई तो इतनी ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बन पाई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करो, कमेंट करो, और अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। पार्क वगैरह में तो कंस्ट्रक्शन अभी भी हो रही है फुल एकदम। Thank you.